1947 के पहले कौन लोग थे? जो लोग भारत के विभाजन का पक्षधर बनकर के मुस्लिम लीग की मंशा को और कांग्रेस की सत्ता लोलुपता के चक्कर में पड़ करके भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों के बारे में सही जानकारी देने की आवश्यकता है। याद रखना, अगर उस समय के समाज ने, बहनों और भाइयों, उस समय के समाज ने पहले जो आंदोलन किया था 1905 में बंग भंग का, जो अंग्रेजों की साजिश थी, जैसे उसे विफल किया था, ऐसे ही मुस्लिम लीग की साजिश को विफल करने के लिए उस समय का कांग्रेस नेतृत्व और जोगेंद्रनाथ मंडल ये मिलकर के अगर मुस्लिम लीग की मंशा पर पानी फेरने का काम करते तो कभी भी ये पाकिस्तान जैसा नासूर नहीं बनता। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है और एक पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना यह मानवता का कैंसर है, इस कैंसर का समाधान यह मानवता का भी कैंसर होगा और इसका उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर के करना होगा और सबसे ज्यादा सतर्क भारतवासियों को रहना होगा। निश्चित ही समाधान के रास्ते निकलेंगे एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के लिए। पूज्य संतों के सानिध्य में उनके संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए हम डबल इंजन सरकार के कार्यों को मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे।